ये वाली इयररिंग डालिए ना, क्योंकि इसमें ना साड़ी में मैच कर रहा था इसलिए मैंने ये डाली है। आप लोग बताइएगा कि कैसे, मतलब कैसा लग रहा है। बस सिंपल सा मेरा मेकअप था, एक मंगलसूत्र डाल लिया मैंने और इसमें हाथ में भी ये फाउंडेशन लगाया ना, तो इस तरीके से लग रहा है। तो कलर बहुत अच्छा आया है, फाउंडेशन मैंने हाथ में रख के लगाया तो जैसे आया मैंने वैसा डिजाइन लगा दिया। और ये है सोनू लिखा हुआ है, उल्टा लग रहा होगा इस तरीके से सीधा लगेगा। और इसमें अभी लगाया मैंने क्योंकि उल्टा हाथ पड़ता है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मुझे फटाफट से भी मुझे बनाने हैं प्रसाद। प्रसाद में मैं कुछ चाहता नहीं, मेरे में मतलब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लगा लूँगी। और ये साड़ी बहुत बहुत ही ओल्ड है, बहुत ओल्ड है, मतलब ये 5-6 साल पहले की साड़ी है। ये आप लोग देख सकते हैं 5-6 साल पहले की साड़ी है। बहुत मैंने इस साल साड़ी नहीं लिया है क्योंकि हम लोग अभी कोई भी त्यौहार नहीं मना रहे हैं, तो हम लोग साड़ी मतलब नया कैसे पहन सकते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। और चलिए मैं चलती हूँ महावर लगाती हूँ, महावर लगा के फटाफट से मैं किचन में जाती हूँ। और बस चूरन बनाना है, जो चावल के चूरन बनाते हैं ना हम लोग में, बस उसको चावल को पीस के चीनी मिला के उसमें सुबह जो इसमें आंचल में रख के इसमें रख के, और पहले प्रसाद में वही ग्रहण करते हैं जो सुबह में, और वही भोले बाबा को प्रसाद भी चढ़ता है। बाकी सब फल वगैरह तो चढ़ता ही है, तो फल वगैरह तो आ गया, तो मैं जानी धो के काटने जल्दीबाजी में लिपस्टिक देखिए कैसे लग गया, तो मैं जा रही हूँ पहले धो के फल वल काटूंगी। आप लोग बने रहिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, चलती हूँ मैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शाम हो गया है, तो चलती हूँ। और महावर लगाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो किचन में मैं कुछ नहीं बनाऊँगी ज़्यादा क्योंकि बस एक चूरन बनाना था मुझे, तो उसके लिए मैं चावल को भून रही थी। उसको भूनने के लिए ना घी डाला मैंने, और पता नहीं कैसे बनता है, मैंने दिमाग मेरा देखिए, पहले चावल को भून के पीस के तब जाके घी में भूनते हैं, और मैंने क्या किया कि चावल को ना घी में ही डाल के ऐसे ही भून दिया, तो चावल ना ढंग से पीसा भी नहीं क्या करें, लेकिन विधि था तो वैसा ही विधि कर लिया मैंने, उसी तरह पड़ा हुआ है। तो पहले चीनी को पीस ले रही हूँ मैं, क्योंकि मिक्स करते हैं चूरन में तो चीनी पीस के ही डालते हैं। और बाद में मम्मी से पूछा मैंने, तो मम्मी ने बताया कि नहीं पहले चावल को पीस लेते हैं, मतलब भून के कढ़ाई में ऐसे भून के चावल को पीस के फिर जाके उसके बाद में चीनी मिक्स करते हैं और घी में भूनते हैं। मैंने कहा चलो अब तो काम तो बना दिया है मैंने। और इधर मैं इनसे बातें कर रही थी, ये मार्केट जा रहे थे तो सब्ज़ी लेने के लिए, तो उन्हीं से मैं, वो बोल रहे थे कि क्या क्या चाहिए, और ये देखिए कढ़ाई में चिपक रहा था, मतलब पूरा घी छोड़ दिया था और वो पूरा घी में मतलब नहीं पीसा जा रहा था, तो क्या करें, इसी तरह छोड़ दिया मैंने हल्का फुल्का पीस के मोटा मोटा। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ फल वगैरह धोने, फल निकाल रही थी और जो भी प्रसाद काटने थे और फल वगैरह धो के, और मैंने सोचा कि पहले फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि आरोही को लेके ये मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए, तो वहीं मैं लगा रही थी, नहीं तो आरोही तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब पूजा पाठ का जो भी सामान होता है छेड़छाड़ करने लगती हैं। तो फल को धो के मैंने रख दिया है और जो भी दान करने के लिए चीज़ें थी वो एक थाली में मैं लगा दे रही हूँ, नीचे चुंदरी डाल दिया है मैंने, और उसके बाद में दिया बाती का काम करूँगी मैं। और हाँ फूल भी लेने गए थे, वो फूल अभी नहीं है दिख रहा होगा, तो सब्जी फूल वगैरह लेने गए थे वो, मैंने सुबह बोला था तो बोले थे नहीं कि ताज़ा ले आऊँगा, पहले से ले आके रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, और कल के लिए, कल गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी के लिए भी वो कुछ प्रसाद वगैरह लेने गए थे, तो उसके बाद
और यहाँ पे मैं ना जोरा मांग टिक रही हूँ, नाक से जैसे टिकते हैं ना तो उसे जोरा मांग बोलते हैं। तो आज तीज के दिन हम लोगों में स्पेशली जरूर टिकते हैं, छठ पूजा तीज होता है ना तो टिकते हैं और पीला सिंदूर लगाते हैं, इसे जुड़वा मांग बोलते हैं, जैसे जुड़वा मांग टिकते हैं उसे ही, तो हम लोग में शुभ माना जाता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इसका मान्यता है। कितने तुझ बिन बरसे हैं, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब हो के चुराया मैंने सोती लकीरों, मिले हो तुम हमको देखिए सिंदूर बोलते हैं ना कि ये ऑरेंज वाली सिंदूर जो कि पूजा के टाइम में मैंने लगाया है और कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है सिंदूर, बहुत ही बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और वैसे भी सिंदूर किसको पसंद नहीं आता है, माता रानी सबका सिंदूर ऐसे ही सुहाग और बना के रखें। तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो रहा है, मैं अब जाके वो रेस्ट करूँगी। आर्यन जिद कर रहा है उसके लिए चीला बनाने के लिए, तो देखती हूँ पहले उसको चीला बना के दे देती हूँ और इन दोनों को दे चीला ही बना दूँगी क्योंकि खाना ज़्यादा बनाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और मिलती हूँ कल के मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए आप जो बोलिए सब, आप सब मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की, भोलेनाथ की जय जय। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।